जम्मू में लगातार ठंड बढ़ रही है, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कल बीती रात से ही जोरदार बारिश हो रही है। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात की जाए, कई इलाकों में लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। इस समय में मौजूद हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे, ट्रैफिक कर्मियों को यहाँ पर देख सकते हैं और कोई भी गाड़ी जो कश्मीर घाटी की तरफ जाना चाह रही है उसको फिलहाल आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है इस नेशनल हाईवे पर लगी हुई है और यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं उनसे पूछ रहे हैं कहीं आप कश्मीर घाटी की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर बात की जाए लोगों को साफ कहा गया है फिलहाल आप आगे की तरफ ना जाएं क्योंकि कई इलाकों में लैंडस्लाइड जो है वो हो रही है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो लगातार आने वाले 2 से 3 दिन जो हैं वो बारिश के रहने वाले हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे वो भद्रवाह का इलाका हो, चाहे वो पटनीटॉप का इलाका हो, लगातार बारिश जो है वो हो रही है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और लगातार लैंडस्लाइड और भारी बारिश के चलते फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बंद किया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर फिलहाल बंद है नेशनल हाईवे? हाँ सर पूरा बंद है, जो रामबन बनिहाल और कश्मीर माउंट जितने भी व्हीकल्स हैं हम उनको यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लैंडस्लाइड हुए हैं जिसकी वजह से मतलब कि जो पैसेंजर है इसको रिस्क है, उसकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे ये रोका हुआ है सारा। तो फिलहाल कोई आगे जाने अभी अपडेट आ रही है, हर एक घंटे के बाद अपडेट आ जाती है हमें मतलब ट्रैफिक TCU के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जैसे ही खुलेगा हम इनको छोड़ देंगे। अभी बंद है? अभी पूरा बंद है, अभी लास्ट कोई 10 मिनट पहले अपडेट आई है, उसमें हमें वीडियो भी देखी है हमने जो लैंडस्लाइड हुए हैं, काफी बड़ा बड़ा मतलब स्टोन पत्थर जो नीचे रोड पे आए हुए हैं और पूरा टोटली ब्लॉक है। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिसर को सुन सकते हैं जो बता रहे हैं कि अभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आने वाले 2-3 दिन लगातार इसी तरीके की बारिश होने वाली है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी ही होगी। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।